एक्स्ट्रा टाइम। भाई दीपक चहर का सुझाव और कोच राहुल द्रविड़ की डांट की वजह से राहुल चहर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुंबई इंडियंस के लेग स्पिनर राहुल चहर, आईपीएल 2021 में उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। भरतपुर से आए क्रिकेटर को एक भी विकेट नहीं मिला मुंबई इंडियंस के पहले मैच में वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और इनफैक्ट मुंबई वो मैच भी हार गई, लेकिन दिस लेग स्पिनर बाउंस बैक टू रिदम अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स अगले ही मैच में, और उन्होंने 4 विकेट लिए और वो मैच मुंबई ने बड़े रिमार्केबल तरीके से 10 रन से जीता। वो एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था। अगले गेम में वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, राहुल चहर ने फिर से कमाल की गेंदबाजी की, मेकिंग मोस्ट ऑफ द स्लो कंडीशंस इन चेन्नई, और अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने 3 विकेट लिए और रन भी रोके मिडिल ओवर्स में, और मुंबई वो मैच 13 रन से जीत गई। मुंबई इंडियंस के हेड कोच महिला जयवर्धन ने राहुल की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। राहुल चहर की क्विक अडैप्टेबिलिटी ने उनको हेल्प किया विकेट्स के रेस में वापस आने में। राहुल चहर की अगर बात करें तो क्रिकेट उनके खून में ही है। उनके बड़े भाई दीपक ने इंडिया के लिए बहुत पहले खेला, राहुल ने बहुत बाद में अपना T20 डेब्यू किया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अगस्त 2019 में। राजस्थान के छोटे से शहर भरतपुर में, जो कि 180 किलोमीटर है जयपुर से, वहां राहुल चहर का जन्म हुआ। 8 साल की उम्र से इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपने कजिन दीपक चहर को फास्ट बॉलिंग करते हुए ये देखते थे। फिर उनके मामा जी ने और उनके बड़े भाई दीपक ने उनको सीरियस एडवाइस किया और वो स्पिन बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिए, और इसलिए राहुल ने स्पिन बॉलिंग करना शुरू कर दिया। स्पिन बॉलिंग करने के लिए राहुल का एक और कारण था, वो इसलिए क्योंकि जब वो पेस बॉल करते थे तो उनकी गेंद जो थी वो बैट्समैन तक पहुंच ही नहीं पाती थी, 2-3 टिप्पे में बैट्समैन तक जाती थी, और इस कारण उन्होंने फास्ट बॉलिंग पिकअप नहीं की। राहुल ने फिर अपनी पढ़ाई को त्यागा और फुल अटेंशन क्रिकेट की तरफ लगाया। फिर उनका ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ हुआ मेहनत के बाद, और वो इंडिया अंडर 19 टीम का हिस्सा बने। हालांकि न्यूजीलैंड में जो वर्ल्ड कप होने वाला था इसमें उनको टीम में नहीं लिया गया, बट उनका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ। इंडिया अंडर 19 के कोच थे उस वक्त राहुल द्रविड़, और उन्होंने एक बार बड़ी जोर की डांट लगाई थी राहुल चहर को, क्योंकि नेपाल के अगेंस्ट एक मैच में एशिया अंडर 19 कप में उन्होंने 5 विकेट लिए थे, लेकिन राहुल द्रविड़ गुस्सा इसलिए हो गए क्योंकि राहुल चहर जानबूझकर सेट बैट्समैन को सिंगल्स दे रहे थे, जिससे कि वो नए बैट्समैन को बॉलिंग कर सके और विकेट ले सके। राहुल ने इस बात के लिए चहर को बहुत डांटा, and that helped him become a better bowler. IPL 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने राहुल को पिक किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया MS धोनी और स्टीव स्मिथ जैसे लेजेंड्स के साथ। फिर IPL 2018 में मुंबई इंडियंस ने उनको पिक किया और तब से वो इसी टीम का हिस्सा है। IPL 2019 में राहुल को गेम चेंजर का अवार्ड भी दिया गया और ये पक्का हो गया था कि अब वो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे ही खेलेंगे। T20 डेब्यू उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया और तब से लेके अब तक 3 T20 मैचेस खेल चुके हैं राहुल टीम इंडिया के लिए। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.